नमस्कार भैया बहनी, अपना पंच देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। खबर महुगंज से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर में ही महुगंज थाना प्रभारी श्वेता मौर्य, जो उनके अपने माता पिता के सपनन का साकार कई के अपन मुकाम हासिल करी नहीं, श्वेता मौर्य अपने कर्तव्य के बखूबी पालन करती रहा। वह महिला दिवस के अवसर में ही थाना प्रभारी श्वेता मौर्य महुगंज महाविद्यालय के बीटीएन से मिली और उनका मनोबल बढ़ाई। वैसे तो जब पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करता है सब कोई, तो फिर ऐसा कुछ पर्टिकुलर सोचते नहीं है कि क्या किस फील्ड में जाना है, लेकिन जैसे जैसे पढ़ाई करते जाते हैं तो प्रेरणा मिलती जाती है कि किस फील्ड में हमको जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए। तो स्कूल कॉलेज के डेज़ में मैं NCC ज्वाइन की थी, मेरा NCC स्कूल में भी था और कॉलेज में भी था। तो एक यूनिफॉर्म को देख कर जो प्राउड फील होता था, उसको देख के ऐसा मतलब बचपन से ही लगा था कि हाँ, मुझे भी पुलिस की नौकरी करनी है या यूनिफॉर्म फोर्स की कोई भी नौकरी करनी है। तो उसी राह में बढ़ते गए, तो फिर एग्ज़ाम देने पर सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुई। उसके बाद में 12 साल बाद हमारा प्रमोशन हुआ, तो आज मैं निरीक्षक के पद पे हूँ। घर में घुस के अज्ञात बदमाश कट्टे के नोक में महिला का बंधक बनाए के उनके साथ लूटपाट करें। अपने बताए दी कि महिला के घरे से कीमती सोने चांदी के आभूषण लेके चोर चंपत हो गए। बतावा जा रहा है कि यह घटना रात 8:30 बजे के करीब है, जब महिला घरे में अकेले रही, जिनका कट्टे के नोक मलई के बदमाश वारदात के अंजाम दी नहीं भाई। अरे वो तो गेट खटखटाए तो कुछ नहीं बोले, तो मैं सोची बर्तन मांजने वाला है, तो मैं गेट खोल दी एकदम, तो बोले मिश्रा जी का नंबर दीजिए। तो हमने कहा भैया मैं रटा नहीं है, हम दे रहे हैं आपको नंबर। तो मैं अंदर तक आई तो वो चौखट के अंदर आ गया, तो बोली तुम अंदर कैसे आए? तो बोले हमको आपसे बात करनी। तो हमने कहा बताइए, हम तो आपको नहीं जानते, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। फिर ऐसे वो कट्टा ले लेके अंदर चला आया, पिस्टल लिए थे और एक पीछे खोसा था, तो वो उसने ला के यहाँ टेबल पर रख दी। आप अलमारी की चाबियाँ दीजिए, पूरा गहना दीजिए, जितना रुपया पैसा है, मिश्रा जी को 15 लाख रुपये मिले हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे जो कॉलोनी है, थोड़ा सुनसान जगह है, वहाँ पे सरकारी क्वार्टर बने हुए हैं। तो वहाँ पे एक नीलम मिश्रा हैं, उनके पति RK मिश्रा इंजीनियरिंग कॉलेज में लैब टेक्नीशियन के उसमें काम करते हैं। उनके यहाँ अज्ञात 3-4 लड़के जो है आए थे और फिर कुछ उन्होंने घर में लूटपाट किया है। इस पर हमने मामला पंजीबद्ध करके अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया है। 3 बुलेटिन की अगली खबर रीवा से रही, जहां कम्युनिस्ट पार्टी के आवाहन में ही डभौरा से रीवा कलेक्ट्रेट तक पैदल यात्रा करके सैकड़न के संख्या में समर्थक अपनी मांगन कर लेके डभौरा से पैदल रैली निकाल के रीवा कलेक्ट्रेट पहुंचे। अब लोग बताए दें कि कम्युनिस्ट पार्टी के बड़ा प्रदर्शन रीवा में होतला है, जहां अलग अलग जगह से पैदल रैली निकाल के लोग पहुंचे। यहाँ पोंगल्ला गुमारी जो है डभोरा में जगह है, वहां से जो है ये हम लोग जो है 90 किलोमीटर के आसपास जो है, जब हम जिला मुख्यालय पहुंचेंगे तो ये 90 किलोमीटर की हमारी कुल पदयात्रा होगी। इसमें हमारी मुख्य मांगे ये हैं कि जो गरीब दलित आदिवासी भूमिहीन हैं, उनको जो है वो शासकीय ज़मीनों का पट्टा दिया जाए, जो जहां पर कई वर्षों से काबिज हैं उन जमीनों का उन्हें पट्टा दिया जाए। रीवा के गढ़ थाना में ही किशोरी का बंधक बनाए के गैंगरेप के घटना कीन गए। अपने बताई गई कि आरोपी जंगल में ले जाए के वारदात का अंजाम दिहीन। ये घटना 5 महीना पहले के बताई जाती, जहां अब 5 महीना बाद पीड़िता के शिकायत में ही पुलिस 2 आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म, जान से मारे की धमकी और पॉक्सो एक्ट के धारण के तहत मामला का पंजीबद्ध कर ले। अपने बताए कि पुलिस शैलेंद्र मिश्रा और सत्य मिश्रा का ये मामला में आरोपी बनाई नहीं, जो उन किशोरी के साथ यमे के काम करे हम। बुलेटिन की अगली खबर में, सिमरिया तहसील के बीड़ा ग्राम पंचायत के मामला है, जहां पीड़ित परिवार अपनी जमीन खातिर दर दर के ठोकर खाए का मजबूर है। अपने बता दें कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे परिवार बताएं कि उनकर पटवारी हल्का बीड़ा के अतरौली में पैतृक जमीन है, जोने पर खड़ी फसल लगी है, पर उसके बावजूद सरहंग उनके जमीन में कब्जा करे हम। अतने नहीं, उनके परिवार का लगातार जान से मारे के धमकी देतला है। पीड़ित कई बेर राजस्व विभाग के चक्कर लगा चुके हैं, जोने के बाद अब उनका पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भेजा गया है। साथ ही बतावा जा रहा है कि अतिक्रमणकारी का सिमरिया के विधायक KP त्रिपाठी के संरक्षण मिला है। गए थे तो वहाँ अपर कलेक्टर सर ने SP ऑफिस के लिए लिख के दिए हैं कि वहाँ जाके करवाइए, ना SP कलेक्टर में हो रहा है, ना DO कर रहे हैं। सर मेरा काम कहीं से नहीं हो रहा है, मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान हैं। जो दबंग लोग हैं सर, 40-50 लोग हैं, तो मेरे पापा जी के खेत में पूरे खेत में झोपड़ी बना लिए हैं,
और हम लोग जाते हैं तो मार पीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं और हमारे पूरे परिवार को जान का खतरा है सर। और कहीं हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। जो दबंग लोग हैं उनकी तरफ से विधायक भी लगे हैं केपी त्रिपाठी सर, तो हम लोग की कहीं सुनवाई नहीं हो रही सर। तो इसलिए हम लोग मीडिया पत्रकार का की सहायता से हेल्प लेना चाहते हैं। हम लोग की सुनवाई हो नहीं तो हमारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। रीवा के रजिस्ट्रार कार्यालय में भ्रष्टाचार के गढ़ बना हवा। अपना का बताई कि हाल ही में ही यह मामला देखने का मिला जब रजिस्ट्रार कार्यालय के स्टेनो रिश्वत लेत पकड़े गए। अपने बताया दी कि जिला रजिस्ट्रार के खिलाफ कोनो मेर की कार्रवाई नहीं की गए, जो उनके चलते लगातार इनका कारनामा उजागर होतला हमा। वह मंगलवार का ही एक दरकीपुन के बवाल होगा जहां पर कुछ लोग शिकायत लेके पहुंचे और कार्यालय के अधिकारी माही गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहाव रहा कि उनके पैतृक भूमि माही कई सालन से विवाद चल रहा, जो उन्हें से संबंधित लोगन के द्वारा जमीन का बेच दीन का। क्या मामला क्या है? जी सर, मेरी जो आपत्ति जो है तो लगी है जय कुमार विश्वकर्मा के नाम से, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का लगा हुआ है, मतलब सिविल और हाई कोर्ट का। और 6 तारीख को हमें पता चला कि यहाँ रजिस्ट्री हो रही है, हमारी वो पैतृक जमीन है। पैतृक न्यायालय का स्टे के साथ आपने रसीद? जी जी, वो ये कॉपी जो हमने यहाँ लगाया है उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं। और जब हम उस दिन 6 तारीख को आए, इनको दिखाए, साथ में मैं पेपर लिया था, तो ये हमको गाली दे के वहाँ से भगा दिए। बोले कि ये हम सब पे हमारा देखा हुआ है पेपर, तुम हमको पेपर ऊपर मत दिखाओ। संडे का दिन था, कोई वकील हमको मिल नहीं रहा था कि हम किसी वकील के साथ ये पेपर लेके आए। संडे का दिन हुई है आपत्ति का और हाईकोर्ट माननीय हाईकोर्ट के स्टे का, दोनों का अवलोकन किया था, पंजीयन अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की है। बाकी इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। नहीं, स्टे तो माननीय कोर्ट देता है, स्टे हम थोड़ी देते हैं। जो भी पेपर मेरे सामने पेश किए गए हैं उनका मैंने अवलोकन किया है, विधि अनुसार जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो की है। स्टे के साथ आपके साथ आपत्ति लगाई गई थी? हाँ, मैं आपत्ति कह तो रहा हूँ ना, जो आपत्ति लगाई गई थी उसका अवलोकन किया है। मैं कब कह रहा हूँ बिना देखे गलत स्टे दिया? मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि माननीय न्यायालय ने गलत स्टे दिया था। बुलेटिन की अगली खबर सिगरौली से रही, जहां सिगरौली विधानसभा सी के विधायक राम लल्लू बैस के जन्मदिन में ही अजय प्रताप सिंह, राज्यसभा सांसद वीरेंद्र गोयल, भाजपा जिलाध्यक्ष सिगरौली बद्री नारायण बैस, डायरेक्टर मायाराम महाविद्यालय और भूपेंद्र गर्ग मंडल अध्यक्ष सिगरौली के साथ है बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता इकट्ठा हो के सामुदायिक केंद्र मोरवा में ही भर्ती हो वाले मरीजन का फल और मिठाई के वितरण करेंगे। आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के अपने क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, जो कि तीसरी बार यहां से विधायक के रूप में निर्वाचित हुए और इस शहर के विकास के लिए उन्होंने महापौर के कार्यकाल में इस क्षेत्र का काफी विकास भी किया। और रीवा के नई गढ़ी माही महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर माही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के स्वास्थ्य परीक्षण करके उनका सम्मान करे। अपना बताया दे की अभियान माही कई महिला उपस्थित रही हम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकन के स्वास्थ्य परीक्षण की। महिलाओं के ये है कि इनको अपना मतलब ये अस्तित्व दिखाना है कि हमारा भी स्थान है समाज में, क्योंकि हमारा समाज महिला पुरुष दोनों के बराबर पर चलता है ना, कि पुरुष, चूँकि ये पुरुष प्रधान समाज है, तो कहीं ना कहीं हमको अपना अस्तित्व बनाने के लिए आज इसकी आवश्यकता पड़ी। के बारे में हर जगह हर डिपार्टमेंट में एक महिला सेल का गठन किया गया है, हमारे यहाँ भी महिला सेल का गठन है, महिला बाल विकास में भी गठन है, और उन महिलाओं से संबंधित, उत्पीड़न से संबंधित जो भी शिकायतें होती हैं वो महिला जो एक सेल बना हुआ है उसके माध्यम से वही सब कार्रवाई होती है और वही कार्रवाई फिर आगे की ओर प्रेषित की जाती है। तो भैया बहनी, आज के बुलेटिन में इतना ही। बघेली में समाचार देखने के लिए देखत रही हमारे अरविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।